गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम रीमान इंटीग्रेशन और रीमान इंटीग्रेशन से जुड़े कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम्स, जिसमें किसी फंक्शन को रीमान इंटीग्रेबल बताना है, उसका अपन डिस्कस करेंगे। इसके लिए एक प्रॉब्लम अपन यहां पर लेके चले। मान लीजिए जो प्रॉब्लम अपन को दिया हुआ है वो प्रॉब्लम कुछ इस तरह का है। Let a function, let fx is defined on interval 0 to such that let the function fx is defined on interval 0 to such that fx is equal to, जो फंक्शन अपन को परिभाषित है वो कुछ इस तरह का है कि इसकी वैल्यू जो है वो अपने पास बराबर होगी दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज रैशनल एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब if x is irrational। यदि x rational है तो फंक्शन की वैल्यू x प्लस एक्स स्क्वायर, और यदि x irrational है तो फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है। अपन को प्रूव करना है, प्रूव दैट fx इज रीमान इंटीग्रेबल और रीमान इंटीग्रेबल और नॉट। अपन को यह बताना है कि फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं है। इस तरह की प्रॉब्लम्स जिसमें फंक्शन अपन को दिया हुआ है कुछ अलग अलग तरीके से परिभाषित है, ये बताना है कि ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है या नहीं होता है। तो फंक्शन को रीमान इंटीग्रेशन या है या नहीं, इसको प्रूव करने के लिए अपन को लोअर रीमान इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, अपर रीमान इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। तो अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल निकालने के लिए कुछ बेसिक चीजों की अपन को जिनकी आवश्यकता होती है, सबसे पहले अपन वो कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले अपन ये मान के चलें कि इसका पार्टीशन है, जो इंटरवल अपन को दिया हुआ है उस इंटरवल का कोई जनरल पार्टीशन अपन कंसिडर करें। सो लेट p इज इक्वल टू एक्स जीरो, जो उसका इनिशियल पॉइंट है जीरो, एक्स वन एक्स आर माइनस वन एक्स आर, और लास्ट वन एक्स एन इज इक्वल टू जो लास्ट पॉइंट इसका है टू। ये अपने पास में दे रखा है, ये उसका कोई पार्टीशन है, बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल जीरो। यदि कोई ये इसका पार्टीशन दिया हुआ है तो इसी पार्टीशन में कोई जनरल सब इंटरवल होगा, वो जनरल सब इंटरवल अपन ये ले लें और उसको कंसिडर करें। लेट आई आर इज इक्वल टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर बी एनी सब इंटरवल ऑफ क्लोज इंटरवल जीरो। ये उसका कोई भी सब इंटरवल ले लिया, आई आर जिसको अपन बोलते हैं। जब आई आर अपन ले लेते हैं तो फिर अपन को उस आई आर में ये पता करना है कि फंक्शन का सुप्रीमम क्या होगा और इन्फिमम क्या होगा। जो फंक्शन अपन को दिया हुआ है वो जीरो टू में परिभाषित है, जब जीरो टू में परिभाषित है इट मीन्स फंक्शन इज बाउंडेड। जब फंक्शन बाउंडेड है तो इस इंटरवल में उसके सुप्रीमम और इन्फिमम भी होगी, जब इस इंटरवल में सुप्रीमम और इन्फिमम है तो उसके हर सब इंटरवल में भी उसके इन्फिमम और सुप्रीमम है। अपन ये मान के चलें कि लेट कैपिटल एम आर एंड स्मॉल एम आर बी दी सुप्रीमम एंड इन्फिमम ऑफ एफ एक्स इन आई आर। ये अपन इसका आई आर में उस फंक्शन के सुप्रीमम और इन्फिमम निकाल लें। अब फंक्शन अपन को दिया हुआ है तो अपन को ये पता करना है कि कैपिटल एम आर की वैल्यू क्या होगी और स्मॉल एम आर की वैल्यू क्या होगी। तो कैपिटल एम आर की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन अपन को दिया हुआ है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब विच डिपेंड्स अपॉन एक्स इन दिस इंटरवल।
तो उस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू अपन को दी हुई है जो x पर निर्भर करती है। अब x पर निर्भर करती है तो अपन को यह पता करना है कि इसमें मैक्सिमम मान x प्लस एक्स स्क्वायर है या x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है। तो इसको पता करने के लिए अपन को थोड़ा सा डिफरेंट वे में इसमें चलना पड़ेगा। वो डिफरेंट वे में अपन ये देख लें कि दरअसल इनमें से बड़ा कौन सा है, क्या x प्लस एक्स स्क्वायर बड़ा है या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बड़ा है, कौन सा वाला इनमें से बड़ा है। तो बड़ा है तो उसके लिए अपन इनका डिफरेंस निकालें, वो डिफरेंस अपन कैलकुलेट करें। नाउ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इनका यदि अपन डिफरेंस निकालें तो ये मिलेगा x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये कैंसिल हो गया और बचा अपने को दिस इज इक्वल टू x इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। x इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर इन दोनों का डिफरेंस है। अब यदि ये ग्रेटर देन जीरो है तो पहले वाला बड़ा होगा बाद वाला छोटा होगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये उस इंटरवल पे डिपेंड करता है जो इंटरवल अपन को दिया हुआ है, और वो इंटरवल दिया हुआ है अपन को 0-2। अब 0-2 यदि यहां पर अपन रख के देखते हैं तो इसका बिहेवियर चेंज होता है, इसका बिहेवियर चेंज होता है, और वो बिहेवियर ये कहता है कि दिस डिफरेंस, जो डिफरेंस अपन को दिया हुआ है, दिस डिफरेंस इज ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 होगा यदि x लेस देन 1 हो। तो अपने पास ये कहेंगे इफ दिस इज ग्रेटर देन 0 इफ x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, x 0 और 1 के बीच में यदि एग्जिस्ट करता है तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, और लेस देन 0 होगा इफ x लाइज बिटवीन 1 एंड। तो ये ग्रेटर देन 0 है इस इंटरवल में 0-1 में, तो 0 और 1 में ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इस इंटरवल में तो ये मान मैक्सिमम होगा और ये मान कम होगा। और दूसरा वाला इंटरवल जब अपन ने लिया है 1 और 2 वाला, इसमें ये नेगेटिव आता है, ये जब नेगेटिव आता है इसका मतलब ये पहले वाला तो छोटा होगा और बाद वाला बड़ा होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग अपन को इनके सुप्रीमम और इनफिमम भी पता चला कि उस फंक्शन का मैक्सिमम मान कौन सा है और मिनिमम मान कौन सा है, वो इस इंटरवल पे डिपेंड करता है। तो यहां से अपन को ये पता चला देन क्लियरली कैपिटल एम आर उस फंक्शन का मैक्सिमम मान होगा। वो मैक्सिमम मान कौन सा होगा कि इस इंटरवल में तो ये बड़ा है और दूसरे वाले इंटरवल में ये छोटा है। तो जब इंटरवल अपन ये लें 0 और 1 यदि इंटरवल लें, x lies between 0 and 1, 0 और 1 के बीच में लें तो पहले वाला बड़ा होगा और दूसरे वाला छोटा होगा। पहले वाला बड़ा होगा तो सुप्रीमम आपका होगा x प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा इंटरवल जब अपन लें जब x lies between 1 and 2 तो ये नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ इसका मतलब पहले वाला छोटा होगा और बाद वाला बड़ा होगा, बाद वाला बड़ा होगा तो सुप्रीमम आपका होगा x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ये कैपिटल एम आर। इसी तरह से स्मॉल एम आर अपन निकालें तो स्मॉल एम आर अपने पास में होगा, पहले जब इंटरवल 0 से 1 के बीच में है when x lies between 0 and 1, 0 और 1 के बीच में तो पहले वाला बड़ा बाद वाला छोटा, यानी x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इसका मिनिमम मान होगा। और जब दूसरा इंटरवल अपन ले 1 और 2 के बीच में तो इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव हुई, इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाला छोटा और बाद वाला बड़ा है, तो पहले वाला इसका मिनिमम मान होगा जो x प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो इस तरह से जो इंटरवल अपन ने लिया है, कोई भी इंटरवल अपन लेते हैं तो उस इंटरवल में इन दो भागों में उसको बांटेंगे और बांट करके ये बताएंगे कि यदि कैपिटल एम आर अपन को कैलकुलेशन करना है तो दो इंटरवल्स में इसकी वैल्यूज अलग होगी, और जब लोअर रीमान इंटीग्रल अपन निकालेंगे तो दोनों इंटरवल में स्मॉल एम आर की वैल्यूज भी अलग अलग होगी। तो अब अपन यहां पर कैलकुलेट करें कि अपर रीमान इंटीग्रल क्या होगा। अपर रीमान इंटीग्रल अपन जानते हैं इंटरवल दिया हुआ 0 से 2 बार, 0 से 2 बार fx dx अपन निकाले, तो अपन जानते हैं दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 2, 0 से 2 में fx वो जब fx की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और fx की वैल्यू मैक्सिमम अपने पास ये दे रखी है, लेकिन ये दो अलग अलग इंटरवल्स में दे रखी है। तो इस इंटरवल को तोड़ेंगे अपन, 0 से 1 लिखेंगे, 0 से 1 में fx का वो मान जो मैक्सिमम है, fx का मैक्सिमम मान अपने पास में आया x प्लस x स्क्वायर dx।
प्लस 1 से 2 में जो fx का मैक्सिमम आना है, 1 से 2 में fx का मैक्सिमम आना है आपने पास में x स्क्वायर प्लस x क्यूब dx. इंटीग्रेट करें अपन तो ये मिलेगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 3 लिमिट 0 से 1 प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस x 4 बाई 4 लिमिट 1 से 2. तो ये वैल्यूज अपन निकालें और इसको कैलकुलेट करें तो ये अपने को मिलेगा 83/12. तो यदि अपन ये रीमान इंटीग्रल निकालें जिसको अपन अपर रीमान इंटीग्रल कर रहे हैं तो अपर रीमान इंटीग्रल इसका आएगा अपने पास में 83/12. इसी तरह से इसी के पैटर्न पे अपन इसका लोअर रीमान इंटीग्रल निकालें तो लोअर रीमान इंटीग्रल होगा 0/2 fx dx. इसमें fx की वैल्यू वो होगी जो उसका मिनिमम मान होगा. मिनिमम मान का मतलब स्मॉल एमआर, और अपन स्मॉल एमआर पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि डिफरेंट इंटरवल्स में उसकी वैल्यू डिफरेंट है. सो इंटरवल अपना 0 से 1 लें तो 0 से 1 में अपने स्मॉल एमआर अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डीएक्स प्लस 1 से 2 में स्मॉल एमआर अपने पास में है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स. इंटीग्रेट करें तो यह मिलेगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 4 बाई 4 लिमिट आएंगी 0 से 1 में प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट है 1 से 2 में. और जब इनकी वैल्यूज अपन कैलकुलेट करें तो ये वैल्यूज आती है अपने पास में 51/12. द वैल्यूज आर 51/12. तो लोअर रिमान इंटीग्रल अपन ने निकाला, अपर रिमान इंटीगल निकाला. अपर रिमान इंटीगल 0 से 2 बार एफ एक्स डी एक्स ये अपन ने निकाला 83/12. लोअर रिमान इंटीगल अपन ने निकाला इंटीगल 0/2 एफ एक्स डी एक्स ये 51/12. क्लियर कट अपन को पता है कि दोनों आपस में बराबर नहीं है. ये लोअर रिमान इंटीगल और अपर रिमान इंटीगल आपस में बराबर नहीं है तो फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल नहीं होगा. This means f does not belongs to R 0. इस तरह से कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम्स जिनको अपन ट्रेडिशनल मेथड से न करके कुछ इस तरह से जो इंटीग्रल मेथड होता है उस इंटीग्रल मेथड से करके अपन ये बता सकते हैं कि फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल होता है या नहीं होता है. थैंक यू वेरी मच.